हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एमए पीआईएसएन। जी हाँ, जेएनयू एमए पॉलिटिक्स, जिसका कोड होता है पीआईएसएन। तो इसके 2024 के कट ऑफ का जो रैंक आया था, अलग अलग जो जेएनयू की तरफ से कट ऑफ लिस्ट रिलीज की गई थी, उसमें अलग अलग जो रैंक आया था उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे जो 2025 में जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका टारगेट है कि मुझे एट एनी कॉस्ट जेएनयू में एडमिशन लेना है, तो उनका क्वेश्चन यही आ रहा है कि सर कितने रैंक तक का एडमिशन होता है, क्योंकि जो परसेंटेज मार्क्स है, जो कट ऑफ मार्क्स है जो जेएनयू रिलीज करती है, कट ऑफ तो हर एक साल वेरी करता है, लेकिन रैंक की अगर हम बात करते हैं तो वो सीट के अनुसार से कॉन्स्टेंट हो जाता है। अब क्योंकि पीआईएसएन के साथ साथ एक ही सिंगल एग्जाम से पीओएलएम और आईआरएम में भी एडमिशन मिलता है, तो इसलिए रैंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आज हम लोग इस वीडियो में सभी कैटेगरी के रैंक के बारे में डिस्कस कर लेंगे। दूसरा, इस वीडियो से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने रैंक तक जो है, अगर हम फिफ्थ कट ऑफ की बात करें तो कितना रैंक फॉल होता है, नहीं गिरता है, तो वो सब चीज़ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं 2025 के लिए प्रिपरेशन करें तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। सो यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे देख पाइएगा जो कैटेगरी वाइज जो है, डिफरेंट कैटेगरी के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये बेसिकली जो है कट ऑफ रैंक हर एक कट ऑफ के साथ रिलीज की गई थी। जेएनयू ने इस बार फिफ्थ कट ऑफ लिस्ट तक रिलीज की गई थी, और ये सिर्फ सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे जो आपको रैंक देखने को मिलता है, ये उस कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट है जिनको जेएनयू ने एडमिशन दिया, ये उनका रैंक है। सो अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 78th रैंक तक का एडमिशन हुआ है, और ये AIR रैंक है। अगर आप टॉप 78 लेते हैं पूरे इंडिया में, तो ये 78th स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जो है जेएनयू एमए पीआईएसएन में एडमिशन मिला है। वही शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 32nd रैंक तक का एडमिशन मिला है, शेड्यूल ट्राइब में 17th रैंक तक का एडमिशन मिला, पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो 11th रैंक तक का एडमिशन मिला, ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 83 और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 33 रैंक तक का। अब सवाल ये होता है कि अगर ओबीसी में 83 रैंक का एडमिशन मिला, तो क्या 83 स्टूडेंट हैं जिनको एडमिशन मिला? आप लोग किसी भी, अगर यहाँ पे आप 32 रैंक तक का एडमिशन मिला, तो ये मान के नहीं चले कि पीआईएसएन में 32 स्टूडेंट को एडमिशन मिला है। जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। होता है क्या कि इसमें 32 में अगर शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो हो सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किए होंगे, तो वो फिर जनरल कैटेगरी में जाने से उनका कुछ सीट खाली हो जाता है। वहीं जैसा कि पीआईएसएम के साथ साथ आपका पीओएलएम प्लस आईआरएम, यहाँ पे भी एडमिशन होता है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बेटर रैंक वाले जो पीओएलएम में चले जाते हैं, कुछ आईआरएम, तो ये मिक्स होता है। आप इसको सीट के साथ कन्फ्यूज मत कीजिएगा, सीट इतने बहुत ही कम होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि अगर हम 83 रैंक तक का एडमिशन मिला है, जिस मीन्स की 83 स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी में, जेएनयू में, पीआईएसएम में एडमिशन मिला, ऐसा नहीं है। सीट इसके साथ आपको सीट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। दूसरा, जो सेकंड कट ऑफ रैंक आई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ था, वो भी 81st रैंक तक का, तो ये हो सकता है एक दो सीट खाली हो गई हो। एक तो हमारे ही स्टूडेंट है जिसने पीआईएसएम में एडमिशन नहीं लिया 2024 में, तो हो सकता है उसके कारण एक सीट खाली हो गई, बाकी किसी कैटेगरी में कोई भी एडमिशन नहीं दिया गया। थर्ड रैंक की बात करते हैं तो किसी में कोई सीट खाली ही नहीं थी। फोर्थ की बात करते हैं तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 81st रैंक तक का सेकेंड कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ था, फोर्थ कट ऑफ लिस्ट में 85th रैंक तक का, शेड्यूल ट्राइब में 19th और पीडब्ल्यूडी में 12th, तो यहाँ पे 11th हुआ था, यहाँ 12th हो गया, मतलब एक सीट और खाली हो गई जिसके कारण एक एडमिशन हो गया। फिर फिफ्थ आई तो आपका जो है शेड्यूल कास्ट में सिर्फ एक सीट पे एडमिशन हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ 32 तक एडमिशन हुआ था, यहाँ पे 33 तक एडमिशन हुआ, पीडब्ल्यूडी में 15th रैंक तक का, और बाकी किसी में नहीं। सो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में तो किसी में रैंक आया ही नहीं आफ्टर फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट। तो अगर हम ओवरऑल बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी का 85th रैंक तक का, शेड्यूल कास्ट 33, शेड्यूल ट्राइब 19, पीडब्ल्यूडी 15, ओबीसी का 83 और ईडब्ल्यूएस 33। तो ये आप बोल सकते हैं कि यह फाइनल रैंक रहा जहां पे स्टूडेंट का
एडमिशन हुआ है। सो अब आप देख लीजिए ये सारे ऑल इंडिया रैंक है उस कैटेगरी में। अगर आप PISM के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान में रख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं पूरे कॉन्फिडेंस में होते हैं कि सर चाहे जो हो जाए मुझे तो JNU एडमिशन ले ही लेगा। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इतने कॉन्फिडेंट में होते हैं कि हो सकता है कि वो स्टूडेंट नहीं सीधे प्रोफेसर के लिए इंटर कर जाए। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जब आप प्रिपरेशन करने बैठते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और नंबर ऑफ अगर सीट्स की बात करें तो मान के चलिए सभी कैटेगरी में 50% भी सीट नहीं है। OBC में यहाँ पे 83 है, हो सकता है कि 30 सीट्स ही हैं। तो इस चीज़ से भी कंफ्यूज नहीं हो जाइए। आप जब रैंक को कंपेयर कर रहे हैं उसके साथ साथ जो है आपको सीट के साथ भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो एक वीडियो में हम लोग सीट के साथ भी कंपैरिजन कर लेंगे जहाँ पे, और POLM IRM के साथ पूरा रैंक के साथ डिस्कस कर लेंगे। सो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि स्टूडेंट का प्रेफरेंस कितना है, किस तरीके से स्टूडेंट का प्रेफरेंस वेरी करता है और किस रैंक तक का किस कैटेगरी में एडमिशन हुआ है। सो जितने भी कैंडिडेट हैं जो PG 2025 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जाम पेजी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, और ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल, कंप्लीट स्टडी, ये जो स्टडी मटेरियल होता है ये 100% एग्जाम के प्रस्पेक्टिव को देख कर डिजाइन किया गया है। इसके बाद हम लोगों ने टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक इस बार प्रिपरेशन किया है, सो दैट आप हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने वो टॉपिक अच्छे से कवर अप किया है। अगर नहीं किया है तो आप कवर अप कीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्योंकि ये ना हर एक साल बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे कि सर पूरा सिलेबस का मॉक टेस्ट मिल जाता है, टेस्ट सीरीज मिल जाता है, लेकिन इंडिविजुअल टॉपिक के प्रैक्टिस की बात आती है तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक डेवलप किया गया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने बुक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं 5-6 इम्पोर्टेंट बुक्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उसके क्वेश्चन बैंक को भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और इन सब के साथ साथ आपको जो है मॉक्स मिलते हैं, प्लस आपको जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। मॉक में भी सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं, अराउंड 50-60 सेक्शनल मॉक टेस्ट है। इसके बाद कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट है, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट सीरीज है, आपको जो है UGC नेट के पेपर्स मिलते हैं। सो एग्जाम तेजी की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि प्रिपरेशन के साथ साथ आपका इवेल्युएशन भी हो सके। आपको एग्जाम से पहले ये चीज पता हो कि कौन सा टॉपिक है जहाँ पे आप स्कोर कर पा रहे हैं, कौन से टॉपिक में स्कोर नहीं कर पा रहे। जब तक आप अपने आप को इवेल्युएट नहीं करते हैं तब तक एग्जाम में बैठने का कोई फायदा नहीं है। आपको पता कैसे चलेगा कि किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, और इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन बैंक हम लोग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फटाफट आपको कॉल या मैसेज करना है, एग्जाम पेजी पे नंबर है 8448878849। और एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी यूनिवर्सिटी को लेकर, तो आप फटाफट इस नंबर पे कॉल कीजिए और आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।